हेलो गाइस, देखिए आज छठ का मतलब दूसरा दिन जो होता है ना, पहला अर्घ वही है आज। और मैं दीदी से वहाँ पे जा रही है, उधर में हो रहा है ना छठ, तो बोली वहीं से रेडी हो जाएंगे। वहाँ भी सब चीज़ है, पानी उनी वहाँ भी मतलब यूज हो, मतलब सब कर सकती है, तो बोली वहीं नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग खाना वाना बना के खाओ के सारा काम कर लिए, अब दीदी जा रही है, हम नहीं जा रहे, हम यहीं से रेडी होके जा रहे हैं। मेरी दीदी बोल रही है कि ऐसा वीडियो क्यों कर रही है, जाते समय जैसे तैसे हम जा रहे हैं। हम बोले क्या होगा, कुछ नहीं, अभी वो जा रही है क्योंकि उसको अभी नहाना है, तो इसलिए जैसे तैसे जा रही है सारा सामान लेके। इन लोग को, बच्चे लोग को भी नहाना वहीं पे। देखिए ये गाड़ी उड़ी लेके जाती, जहाँ भी जाती साथ में खिलौना लेके जाना इसको। धूप भी बहुत है, दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है। हम लोग 3 साढ़े 3 में दलिया लेके निकलते हैं, तो मेरे घर से निकलता है। और ये इन लोग जा रही है, इन लोग अभी गाड़ी में बैठ के जा रही है, बाइक से चली जाए, थोड़ा सा ही दूरी है, ज़्यादा नहीं है। मेरी बेटी सोई हुई थी तो हम बोले आएंगे हम थोड़ा देर से, क्योंकि अभी जस्ट सोई उठा ले जाएंगे ना, तो फिर और गाइस इन लोग अभी चली गई है, अभी हम जा रहे नहाने के लिए, क्योंकि हम इसका बैग वो यहीं पर रखा हुआ, वहाँ भी मेरा घर है, तो वहीं पे बोली वहीं नहा के वहीं पे हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं यहीं पे नहाने, क्योंकि मेरी बेटी ना अभी सोई हुई है, इसलिए उसको नहा लेते हैं। देखिए गाइस, अभी हम लोग नहा धो के यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे डलिया निकलना शुरू हो गया था। मेरा मोबाइल पर नहीं था, पहले हम मम्मी पास गए थे मिलने के लिए, फिर तुरंत मोबाइल लेके आए, तब इन लोग को फिर हम कर रहे हैं। ये मेरी बहन है, सबसे छोटी बहन है, घर में सबसे छोटी बहन यही है। और ये बगल का कोई दिए थे करने के लिए, वही है। और मेरे जिया जी है, मेरी चाची है, अभी मेरी चाची निकलेगी, अभी निकली नहीं, वो आ रही है। ये भी मेरी बहन ही है, ये देखिए अभी इन लोग निकलने का तैयारी हो रहा है और निकल ही रहे हैं। ये मेरा नया घर है, यहीं पे छठ भी पुराना घर में हो रहा है, इसके अंदर भी हम लोग का घर है, वहाँ पे हो रहा है। इधर अभी जल्दी निकल रहे ना, क्योंकि दूरी बहुत जाना पड़ता है, इसीलिए ये देखिए गाइस, अभी सब कोई निकल गया, और आगे भी डलिया निकल ही रहा है। चाची बोल रही है कोई कोई निकलेगा उधर भी। अब हम लोग ना नदी पहुंच गए, हम जाते हुए रोड का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। अब देखिए कितना भगवान, कितना अच्छा सूरज भगवान दिख रहे हैं। लगभग बहुत कोई आगे, ये बहुत बड़ा जगह है, छोटा जगह नहीं है, काफ़ी मतलब होता है ना बड़ा, मतलब नदी है, बहुत बड़ा नदी है, इसमें आदमी बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन ना दोनों साइड, ये साइड एक तरफ है, एक तरफ दूसरा साइड, इसलिए आदमी यहाँ बढ़ जाता है, लगता कम है, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिखता कम है। देखिए हम लोग सारा भाई बहन लोग सेल्फी उल्फी फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। इतना सुंदर पानी है ना, ये पानी देख के किसी का मन खुश हो जाता है, पूरा क्लीन पानी, आप उठा के ना खुद से मतलब पी सकते, इतना क्लीन पानी है। इसमें ना आपका कुछ पैसा भी गिर जाएगा ना, वो भी आपको दिख जाएगा, सिक्का उक्का दिख जाएगा कि आपका पैसा गिरा हुआ है, इतना क्लीन पानी है। और अभी कुछ ज़्यादा ही क्लीन हो जाता है, बारिश में तो गंदा हो ही जाता था, लेकिन अभी क्लीन हो जाता है। सब मम्मी लोग पहले होता ना कि नहाया जाता है, तो वही सब थोड़ा सा नहा के ही ना रख डाला जाता है, तो नदी में नहा कर रही है। इधर हम लोग सब बहन लोग ही है, और यहाँ पर कितना बहता पानी, थोड़ा सा आगे जाइएगा तो बह भी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को ये पानी। अभी धूप भी थोड़ा है, ये मेरी दीदी है, मेरी बहन है सब, इधर मम्मी लोग को भी नहा रही, मम्मी लोग को भी बहुत अच्छा लगता है इतना बहता पानी में नहाने में। इधर हम लोग का 4-5 डलिया रखा हुआ है, देखिए पत्थर उत्थल कुछ भी रहेगा, अब सूर्य भगवान डूबने वाले हैं इसलिए इतना ज़्यादा, और हम लोग बगल ही में है, अर्घ देने में भी आसानी है। इधर हम बैठे हुए हैं, इधर सारा डलिया बेकअप करके अर्घ दिया जाएगा, इसमें मेरी मम्मी भी नहा ली है।
पानी कितना अच्छा, पानी देख के तो हमको तो लग रहा था कि इसी में नहा ले हम भी डुबकी लगा के। यहाँ पे हमेशा कोई आता है नहाने धोने के लिए, हमेशा आता ही है। इधर हम लोग भी कुछ कुछ वीडियो कर ले रहे हैं, अभी सभी टाइम है होने में तो इसलिए तब तक हम लोग फ़ोटो वोटो ले ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी आने से अच्छा रहता ना, हड़बड़ हड़बड़ कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये रिकॉर्डिंग थोड़ा अलग हो गया, पता नहीं किसका किसका हाथ में मोबाइल था ना, कोई भी कर रहा था इस कारण से। और आगे देखिए सब फोटो, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई वीडियो बना रही है। हमें फ़ोटो वोटो भी बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इतना क्लीन जगह है और साफ भी, ऊपर से धूप भी पड़ रहा है अच्छा, इस कारण से बहुत अच्छा आ रहा है। सब मेरा जितना देख रहे हैं ना, सब मेरा भाई बहन ही है इधर। ये मेरी मम्मी है और सूर्य भगवान से कुछ मनोकामना मांग रही होगी। रिकॉर्डिंग हम लोग कर लिए। ये जगह बहुत बड़ा है इसलिए भीड़ आप लोग को कम दिख रहा होगा, बहुत काफ़ी बड़ा जगह, बहुत बड़ा नदी है। सब नहीं होता ना, सब अपना जगह ज़्यादा तो सब अलग अलग जगह पे चला जाता, थोड़ा आगे थोड़ा आगे। और पत्थर के कारण ना बहुत कोई ढक भी जा रहा है, पत्थर भी इसमें बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। देखिए कैसे दिख रहा पानी के अंदर, कुछ पत्थर उत्थल सब दिख जा रहा है ना ऐसे ही पानी। हम लोग को ना ये पानी की वजह से हम लोग थोड़ा दूरी भी आ जाते हैं। मेरी मम्मी को ना यही पानी पसंद है, को दूसरे जगह जाना भी नहीं चाहती है कहीं। मेरी दीदी की बेटी को बुला रहे हैं, ये बेबी कट कटवा ली बाल, छोटा छोटा हो गया, इसका बहुत अच्छा बाल हो गया था पूरा लंबा लंबा। इधर मेरी बेटी भी पापा को तो छोड़ ही नहीं रही है, इधर पापा के पास ही रहना है। अब मेरी मम्मी अर्घ डालेगी। देखिए गाइस हम लोग जितना भी अर्घ दे रहे थे, मेरा ये फुल फैमिली था। इधर मेरे बेटी को हम गोदी लेते हैं ना, सारा लिपस्टिक इधर से उधर कर देती है। जितना अर्घ दे रहे थे ना, ये मेरा फुल फैमिली था, मेरी छोटी चाची और मेरी मम्मी, बस दो ही फैमिली है। और एक बाहर से है, मतलब ये बगल के ही है, वही दिए थे छठ का नवाई, वही सब मेरा सारा फैमिली है। और हम लोग सब अर्घ दे लिए हैं एक डलिया का, अब सारा एक एक करके चारों डलिया का देंगे और फिर उसके बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे। ये देखिए मेरी छोटी चाची है, यही चाची और मम्मी मिल के छठ करती है,
क्योंकि हम लोग का बच्चा छोटा छोटा तो नहीं हो पाता ना, साथ में नहीं दे पाते हैं। चाची और मम्मी मिलके करती हैं, हम लोग फिर सारा भाई बहन घर अपना संभाल लेते हैं। ये मेरे पापा है, ये मेरी फ्रेंड है, ये अभी आई, इसको लेट हो गया आने में। इसके घर में मतलब नहीं अर्घ डाल सकती है, कोई डेथ कर गया था इसीलिए। ये मेरा भाई है, भैया है और मेरी दीदी लगेगी, छोटी चाची का दोनों है। इधर मेरी फ्रेंड है और उसकी बहन भी आई हुई है। हम लोग वहीं पे खड़ा, हम लोग अर्घ नहीं डालेगी इसीलिए। देखिए बहुत कोई कर करके जा भी रहा है अर्घ डाल के। अभी आई तो थोड़ा सा फ़ोटो तो क्लिक, देखिए मेरी बेटी मम्मी के पास नहीं जा रही। मेरी मम्मी भी सारा डलिया कर ली, अब साड़ी उड़ी चेंज करके फिर अब घर के लिए निकल रही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा मेरा, हम उसमें दूसरा अर्घ का डालेंगे और साथ में मेरी बेटी का मुंडन भी हो रहा है, उसका भी वीडियो डालेंगे। देखिए गाइस अभी हम ना घर आ गए, क्योंकि ना देखिए अब सब निकल रहा है डलिया लेके। बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा जगह है एकदम, मतलब होता है ना ये तो 1-2 किलोमीटर में नदी है, तो सोच लीजिए कितना भी है। सब चीज़ बना हुआ है, मंदिर उंदिर सूर्य भगवान का यहाँ स्पेशल मंदिर भी बनाया है। देखिए सब कर करके जा, देखिए एक पास आया।